आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? फिर से सुने, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ये 1976 से 1969 ईस्वी तक। देखने अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? वो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से। देखने अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। देखते अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। देखने अगला क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बहत, थाई बहत। देखने अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियो फ्रांस, लियो फ्रांस। देखने अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखते अगला क्वेश्चन, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? यह हो जाएगा पूंजी, पूंजी। देखते अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? शुक्र, शुक्र ग्रह। देखते अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? ये हो जाएगा एलुमिनियम, एलुमिनियम। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल लैकमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा।